कितना कितना मेकअप करते हो और कितनी मुझे सीरियल का मत बताओ यार, क्या पूछ के आओ तुम। मुझे सर्दी का सी हुई है, मुझे नहीं लगता है मैं बचूंगा यार। हे भगवान क्या करूं। चलो हो गई मैं पार्टी के लिए रेडी। नेहा क्या इतना क्यों रेडी हुई हो तुम? हमारी पार्टी थोड़ी है नेहा, दूसरों की पार्टी में जा रहे हो और तुम इतनी रेडी हो रही हो। अरे क्या, मैंने सिर्फ क्रीम और लिपस्टिक ही लगाई है। नेहा लोग खुद के शादी में भी इतना तैयार नहीं होते हैं। कुछ भी तुम्हें पता भी है सीरियल में कैसे कितना कितना मेकअप करते हो और कितने। मुझे सीरियल का मत बताओ, क्या पूछ के आओ तुम। सुंदर दिख रही हो तुम, पर एक चीज तुम भूल गई हो। कौन सी? तुमने सिंदूर तो लगाया नहीं। अरे राम, इतना बड़ा अनर्थ मेरे हाथ से कैसे हो गया? अब ठीक है? अब ठीक है। चलो चले चले। कल आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना? हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम सो जाते हैं, ठीक है? नेहा अरे फैन बंद कर दो ना थोड़ा। हाँ किया। नेहा सुनो। हाँ। मैंने ना अलमारी में 2000 रुपए छुपाए हैं, वो ले लेना तुम। हाँ ठीक है। और वो मेरा दोस्त है पता है तुम्हें, सचिन। हाँ? उसके पास मेरी 10,000 की उधारी है, वो भी ले लेना। अच्छा ठीक है ले लूंगी, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है और ये एक सब बातें क्यों बोल रहे हो? मुझे सर्दी खांसी हुई है, मुझे नहीं लगता है मैं बचूंगा यार। है नौटंकी, तुम क्या पागल हुए क्या? कोई जुकाम से कोई मरता है क्या? चलो चलो पहले उठो और जाओ डॉक्टर के पास जाके और दवाई करो और फिर वापस घर आना, नहीं तो मुझे भी हो जाएगा ये जुकाम और मुझे पार्टी में जाना है। चलो उठो जाओ। काम करो ना, डॉक्टर को बुलाओ ना यहाँ पे। ये डॉक्टर क्या ऐसे ही पड़े रहते हैं क्या ये सर्दी जुकाम के लिए? उनके पास हजारों लोग आते हैं अपनी बीमारी लेके। चलो अच्छे खासे तो जाओ, उठो ताकत नहीं है। जल्दी जाओ और डॉक्टर के यहाँ जाकर आओ। देखो ना आते हैं तो जाओ। गुड मॉर्निंग प्रेम जी, ये लीजिए मैं आपके लिए गर्म पानी लेके आई हूँ। अच्छी भगवान, ये मैंने क्या सुन लिया? प्रेम जी आपको क्या हुआ? आपको का वास्ता, मैंने 16 सोमवार के व्रत इसलिए किए थे ताकि मेरे प्रेम जी की ये हालत हो जाए। प्रेम जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं पूरी कायनात गिरा दूंगी लेकिन मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। मैं आपके लिए धरती का सीना चीर के दवाई लेके आऊंगी लेकिन मैं लेके आऊंगी। मैं अपने सुहाग को कुछ नहीं होने दूंगी। भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं अपने प्रेम जी की सर्दी ठीक कर पाऊं। अच्छी प्रेम जी, जुकाम ठीक कर देना, मैं पूरी जिंदगी नंगे पैर चलूंगी। ये
कैसा अनर्थ कर दिया आपने मेरे बेटे के साथ। 200 साल आपकी सेवा कर रही हूँ, ये दिन देखने के लिए। हे भगवान, क्या करूँ। क्या हुआ नेहा? अरे क्या बताऊँ, ऑफिस में ना प्रेजेंटेशन देते थे, इतना थक गई हूँ ना मैं, ना खुद के लिए चाय भी नहीं बना सकती अभी। अरे नेहा क्यों टेंशन लेती हूँ, मैं चाय बना के देता हूँ, टेंशन मत लो तू। हाँ और रात का खाना भी नहीं बना सकती मैं। रात का खाना मैं बनूँ? हाँ नहीं, नहीं, चलो मैं ऑर्डर करता हूँ, इतना भी कुछ नहीं। और खा भी नहीं सकती खुद के हाथ से, इतना थक गई हूँ मैं। चलो मैं हाथ से खिला भी दूंगा आज, हाथ पैर दबा दूँ तुम्हारे। हाँ ठीक ठीक है चलो। प्रभात माता जी, ये लीजिए आपकी चाय। वैसे माँ जी आपका कुछ काम है क्या? नहीं बेटा कुछ नहीं है। माँ जी मैं जब से यहाँ पे शादी करके आई हूँ ना, आप मुझे कुछ काम देती नहीं हो, मुझे ना इतना टाइम मिलता है ना, समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ और ना करूँ। बहू तुम्हें काम ही चाहिए ना, हाँ तो बाद में आकर मेरे पैर दबाना। क्या इतना सा काम? ठीक है अभी मैं आपके लिए ना पंच पकवान बनाती हूँ। ठीक है? ठीक है बाबा। हाय गाइस, तो ये ऐसी है हमारी टीवी सीरियल वाली बहू है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा, और इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।